भारतीय रेल अपने यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं देने के साथ साथ ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने पर भी लगातार काम कर रही है। देश भर में रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने के लिए लगभग 1.5 लाख करोड़ का निवेश किया जा चुका है। भारतीय रेल तेजी से पुरानी रेल पटरियों की क्षमताओं का परीक्षण कर उनमें सुधार कर रही है। रेल पुलों का उन्नयन कर उन्हें तेज रफ्तार के हिसाब से तैयार किया जा रहा है। इस कड़ी में ओवरब्रिज अंडरपास बनाकर सभी रेलवे क्रॉसिंग को खत्म किया जा रहा है, जिसका लगभग 90% कार्य पूरा भी हो चुका है। ट्रेनों की स्पीड को बढ़ाने के लिए उन्नत सिग्नल प्रणाली स्थापित की जा रही है, ताकि बिना रुकावट सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित की जा सके। कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान रेलवे के उन सभी रुके हुए रखरखाव कामों पर ध्यान केंद्रित किया है, जिनसे लंबे समय के लिए परिवहन बाधित होता है। इसमें डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी मदद करेंगे। इनके शुरू होने के बाद माल गाड़ियां कम होने से यात्री रेलगाड़ियों की गति को भी और बढ़ाया जा सकेगा। भारतीय रेल ने तेज रफ्तारों ट्रेनों की शुरुआत के तौर पर देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस की भी शुरुआत की। जल्द ही 100 वंदे भारत ट्रेन लाने की योजना है। बुलेट ट्रेन भारतीय रेल की महत्वाकांक्षी योजना है, जिस पर जापान की मदद से तेजी से काम चल रहा है और 2023 तक मुंबई से अहमदाबाद पहली हाई स्पीड ट्रेन को चलाने का लक्ष्य रखा गया है, जो इस 500 किलोमीटर की दूरी को 3 घंटे में पूरा कर लेगी। ट्रेनों की रफ्तार बढ़ने से यात्रा समय में बचत होगी और देश की आर्थिक गतिविधियों आपातकाल सेवाओं में भी ये रफ्तार सहायक होगी। भारतीय रेल बढ़ा रही है देश की रफ्तार।